अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया भारत से सुमित पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और सर आज हम आपसे एक तो बात करना चाहेंगे कि जाहिर है आपके जो पायलट अभिनंदन यहाँ से गए थे चाय वगैरह पी के, जिसका बहुत शोर पाकिस्तान ने मचाया कि जी टी वॉज फैंटास्टिक करके जो उनका एक क्लिप चला, और उसके बाद ये भी कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा फाइटर प्लेन जो है वो नहीं गिराया था, कोई F-16 नहीं गिरा, ये जो कहना चाहिए आज भी पाकिस्तान उसी स्टेटमेंट के ऊपर है। लेकिन आप लोगों ने उनको एक बड़ा आपका वीर चक्र शायद बोलते हैं उसको, वो अवार्ड आप लोगों ने दिया है, तो उसकी क्या रीजन है? और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में ये बात हो रही है, पाकिस्तान से अगर हटके देखा जाए बहुत से इंडियन भी जो है वो यही बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या ऐसा किया है जो इनको ये अवार्ड दिया गया है कि पाकिस्तान में गिरे, पाकिस्तान में पिटे, पाकिस्तान ने पकड़ा और फिर जैसे तैसे भी वापस गए। और साथ ही जो पाकिस्तान का अपना एक स्टेटमेंट साथ साथ चल रहा है जिसपे मैं कोई कमेंट मैं तो कम से कम नहीं करूंगी कि मुझे कुछ पता नहीं कि वाकई में गिरा भी था कि नहीं गिरा था, वो कहते हैं जी हमारा कोई प्लेन नहीं गिरा, जिस कंपनी से पाकिस्तान ने खरीदे उनका भी यही स्टेटमेंट है कि हमने जितने प्लेन पाकिस्तान को दिए थे F-16 के उतने ही पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है आपके ख्याल से, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? देखिए आजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए प्रोपेगेंडा का आंसर हमेशा फैक्ट से दिया जाता है और इंटरनेशनल जो फैक्ट्स हमारे सामने वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात देखिए, अभिनंदन का प्लेन जो था वो था MiG-21 Bison टुडे एक बहुत पुराना प्लेन है, उसको अपडेट करके बाइसन किया गया, राइट? 21 था और जो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू F-16। पॉइंट नंबर वन, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ 21 बाइसन या MiG-21 ने F-16 गिरा, इसका इससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं। पॉइंट नंबर टू, जो आपके पाकिस्तान मीडिया में, जो आपके सारे पाकिस्तान मीडिया में दिखाया, देखिए अब मरने वाला जो आपके पायलट थे वो एक्स एयर मार्शल के बेटे थे, उनका जनाजा दिखाया, उनकी मैयत दिखाई, एयर मार्शल साहब सलाम ही दे रहे थे, चलिए उनका बेटा है पाकिस्तान के लिए लड़ते लड़ते मरा, कोई बात नहीं, हर कोई सिपाही अपने देश के लिए लड़ता है, तो अगर वो F-16 गिरा नहीं तो वो बेटा कैसे हुआ? आपकी वो जो हमने वो जो F-16 में जो मिसाइल यूज होती है एक स्पेशल किस्म की, वो मिसाइल दी, F-16 के टुकड़े हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज की थी, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया। हालत ये है आरजू जी की, हालत ये हो गई कि लॉकहीड मार्टिन ने उसके बाद जो कंपनी जो बनाती है F-16, उन्होंने F-16 बनाने बंद कर दिए। रशियन मीडिया ने, चेक मीडिया ने, जर्मन मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया, कोई भी बड़ा डिफेंस व्यू उठाइए, उन्होंने बोला भाई अगर 21 F-16 को गिरा सकता तो F-16 खरीदेगा कौन? आपको याद होगा उसके आसपास कुछ F-16 के यहाँ इंडिया में बनने की बात हो रही थी, वो कह रहे थे पूरी लाइन टेक्सस से उठा के यहाँ लाएंगे, F-16 यहाँ बनेगा। फिर जब ये बात हुई वाला भैया F-16 की जरूरत क्या है, इट्स नॉट अ पोटेंट मशीन इन टुडेज टाइम, इसीलिए वो प्रोडक्शन बंद हो गई। पिक्चर्स आपके मीडिया में है, सारे इंटरनेशनल डिफेंस रिव्यू डिफेंस कमिटीज ने किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो अब मिसाइल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जो F-16 में लगता है, जो केवल F-16 में लगता है, AMM कुछ करके, AMM-80, I don't remember the name, so I'm not watching for it, और उसके टुकड़े तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने दिखाए थे। अगर फिर वो क्या थे, पायलट कौन मारा, डिफेंस जो ये जो एयर चीफ मार्शल थे, साहब थे आपके, उनका बेटा था, मुझे ये लगता है, देखिए अगर कोई भी देश की राह में शहीद हुआ वो अपना काम कर रहा था, आपका पायलट अपना काम कर रहा था, अब भगवान मालिक है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बट अब आप उस पायलट की, अब ये जो पाकिस्तानी मिलिट्री है ये उस पायलट की जो शहादत है, जो कुर्बानी उसने पाकिस्तान के लिए दी, आप उसको भी नेगेट करें, पूरे इंटरनेशनल मीडिया, BBC ले, CNN ले, यूरोपियन ले, ब्रास 24 ले, DW ले, सबने ये कवर किया, सब में ये खबर है कि F-16 आया, F-16 के वो टुकड़े, वो मिसाइल, वो सब कुछ दिया। अब आपका दूसरा पार्ट आता है, भाई अगर इंडिया झूठ बोल रहा तो ये जितने सारे इंटरनेशनल मीडिया वो पिक्चर है, हर कुछ झूठ है, मतलब अगर आप 1000 मीडिया आउटलेट्स को कंट्रोल कर लो, नकली पिक्चरें डलवा दो, F-16 की प्रोडक्शन बंद करवा लो, फिर तो इंडिया की प्रोपोगंडा बहुत बड़ी है, फिर तो कल को पाकिस्तान में कुछ भी बंद करा सकते हैं, मतलब इतना इतना वीक है क्या पाकिस्तान? ये तो मुझे मतलब हंसी आ रही है। और जिस आदमी ने आपके देश के लिए जान दी है भाई, वो सिपाही था ना आपका, पाकिस्तान फ्लैग लगा था ना उसके यूनिफॉर्म पे, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, तो आप उसको कह रहे हैं कोई बुराई नहीं, और ये कौन है, ये आपके एक्स एयर मार्शल साहब का बेटा है, ये देखिए। अब आते आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे, आदरू जी बहुत अच्छा सवाल था,
अब आपको ये जो F-16 मिले थे पाकिस्तान को, यूएस से मिले थे एंटी टेररिज्म के लिए, उनका यूज तो खैर एंटी टेररिज्म में कभी हुआ नहीं। फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जिसने ये डोनेशन दिया था यूएस को, भाई गिल्लो F-16 पूरे हैं, उनका रिपोर्ट आया था, हाँ हमने जो इन्वेस्टिगेशन की F-16 पूरे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ऐसी डिफेंस डील्स होती दिए जाते 25 बोले जाते 15, और कई बार स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए काफी कोशिश की गई थी पहले पहले प्रोडक्शन रोकने से पहले कि ये बोल दे कि F-16 पूरे हैं। तो जब फिर प्रोडक्शन रुक गई दुनिया में F-16 खरीद नहीं रहा, इस इंसिडेंट हर डिफेंस जर्नल में जा चुका है, ये पिक्चरें जा चुकी है। तो अब ये प्रोपेगेंडा का क्या मतलब है? ये आप देखिए अर्जु जी, ये आप पाकिस्तान की जो आर्मी है मिलिट्री है चाइना के तरीके में जा रही है। आप तो वही वाले कह रहे हो गलवान में कोई मरा ही नहीं, कभी कहते थे वो 2 मरे, कभी कहते 5 मरे, जबकि 7 जबकि दिन है पूरे दिन भर उनके हेलीकॉप्टर लाशें उठाते रहे। एक्स चाइनीज जनरल कहते हैं 135 लोग मरे। और गलत क्या है, गलत इसमें क्या है? देखिए हमारे वहां हमारे ये जो है थे कर्नल सतीश बाबू वीरगति को प्राप्त हो गए, उन्होंने शहादत दे दिया, ठीक है जी। आज उनको महावीर चक्र मिला जो नंबर 2 हाईएस्ट अवार्ड है। परमवीर चक्र मिलता ओनली इन द टाइम ऑफ वॉर, उसके बाद जो हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड है वो महावीर चक्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया, सबके सामने दिया। आज ही 3:30 बजे करीब ये लाइव समारोह हुआ। ये है हमारे शहीद, हमने नाम बताया बताया उनको सम्मान दिया सल्यूट किया, और उनके घर वालों को हमने इनाम दिया क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते मरे। और यहाँ क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, पाकिस्तान में F-16 गिरा ही नहीं, कोई मरा ही नहीं, एयर मार्शल साहब किसको सलामी दे रहे थे, किसकी बेटे की मैयत की पता नहीं। वहां गलवान में वो जी जिंग पे कह रहा है मेरे तो कोई मरे नहीं, पर वो इंटरनेशनल मीडिया में वो येलो येलो बॉक्सेस में उनके एड्रेस भेज रहे थे। अरे भाई कम से कम जो देश के लिए मरा उसको इज्जत तो दो, वो मरा और लड़ा तो आपके लिए मेरे लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा, अपने फ्लैग के लिए लड़ा, मरने के बाद शहीदों के साथ आप ऐसा करो, ये कोई राजनीति नहीं है। आपको जीतना है, आपको जीतना, आपको भारत के साथ जंग लड़नी है, जो भी करना 50 तरीके, पर जो बेचारा अपनी जान दे के अपनी आपने आपके फ्लैग अपनी कंट्री के लिए लड़ा, आप आज उसको भी भूल गए, उसको भी भुला रहे, ये क्या तरीका है? हमने कहा गलवान में हमारे 20 लोग मरे, बिल्कुल हमारे 20 भाई मरे, शहादत दी, पर ये जी जिनपिंग आज तक क्यों नहीं बता रहा कितने चीनी मरे? ये कौन सी राजनीति है? चीनी तो मरे एक दिन तक, 2 दिन तक अगर आप रोज सॉर्टिया कर करके लाशें उठा रहे थे, वहां के कंकड़ पत्थर उठा रहे थे गलवान से, या गलवान की मिट्टी उठा रहे थे, कौन थे वो लोग? वो बेनाम मौत क्यों मरे? अगर आज अभिनंदन वर्धमान को अवार्ड मिलता है, कर्नल सतीश बाबू को अवार्ड मिलता है, गर्व है मोहन पे, और आप जो मरा पाकिस्तान के लिए उसके नाम ही गोल कर रही पाकिस्तान की मिलिट्री, और ये चीनियों की तरह कह रही वो तो कोई थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कितने मरे, कभी 2, कभी 5, कभी 7, कभी 10, मतलब ये क्या है? अगर लाशों और शहीदों के साथ भी ये किया जाएगा, ये बहुत बुरी बात है। इंडिया पाकिस्तान चाइना की बात नहीं है, जो लड़ता जो मरता देश के लिए मरता, उससे इज्जत सम्मान मिलना चाहिए। ये हरकत और हमाकत बुजदिली को छिपाती। और आरजू जी लास्ट पॉइंट बोलूंगा, 4 लड़ाइयां लड़ी, 4 हार गए, ये अब यहां आ गए हो, मतलब ये आप कर रहे हो, बहुत शर्मनाक है। नहीं लेकिन सुमित जी देखे ना कि आपका अपना मीडिया भी कई जगह, बहुत समझारे को नहीं करी, लेकिन कई मीडिया जो आपके आउटलेट्स हैं, कई मीडिया जो आपके चैनल्स हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, इंडिया से भी कई लोग ये बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं, और यही कहा जा रहा है कि किया क्या है जो इनको अवार्ड दिया गया है, वहां पे गिरे पकड़े गए पिटे फिर वापस, जिस तरीके से भी खैर वापस लिया गया, वापस गए, और उसके ऊपर फिर अभी खैर F-16 सवाल अभी भी वही है, और हर कोई यही कह रहा है कि F-16 नहीं गिरा। अब क्या सच है क्या झूठ, मैं इस पे मतलब इतना डिबेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है गड़बड़, वो ना मैं समझ पाऊंगी, शायद आपको भी ना समझ आए कि क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है सॉरी। लेकिन हम यही यही पूछना चाहूंगी कि आपके इंडियंस भी तो कह रहे हैं यही बात। जी यार देखिए F-16 गिरा, ये वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया, F-16 प्रोडक्शन बंद हो गई जी इस इंसिडेंट के बाद, ये भी वर्ल्ड मीडिया ने बताया, और ये भी बताया किस कारण लिए, इसको अब दरकिनार करते हैं। दूसरा मसला आपने आया कि भाई अभिनंदन वहां गिरा पिटा जो भी है, देखिए जो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है उसके साथ एक जेनीवा कन्वेंशन होता है, आपको उसके साथ कैसे बिहेव करना है।
अगर आप उससे इनह्यूमन बिहेव करेंगे तो आप जेनिवा नहीं नहीं कन्वेंशन। नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये जिन लोगों ने किया ना, जिन्होंने मारपीट की, ये गांव के लोग थे, ये कोई हमारे आर्मी के लोग नहीं थे, बल्कि आर्मी के लोगों ने जाके तो उसको बचाया है। अगर आप वो चलिए पिक्चर्स देखे, आर्मी के लोग गए हैं और उसको रेस्क्यू किया, वो तो जो गांव में, आपको पता है कि इतने वो को खास उनको कुछ नॉलेज नहीं होती, उनको लगा बस ठीक है इंडिया से कोई आया है, कोई मार रहा था तो उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया। हमारी फौज ने जाके तो बचाया है उसको। जी, मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, अगर ये जो आप कह रहे हो, अगर ये बिल्कुल सच है, सत्य है, तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं यही कहना चाह रहा था, जेनिवा कन्वेंशन के अंडर आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रीट करने का एक तरीका है, एक तरीका। आपके भी 93,000 लोग यहाँ थे 1971 में, उनको भी बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से ट्रीट किया गया, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपको याद होगा आरजू जी, मैंने नेशनल टीवी पर काफी डिबेट की थी। एक आपके पार्लियामेंटेरियन साहब है, मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान, नॉट इंडिया, उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब को पसीने आ रहे थे और बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे, और इमरान खान नियाजी से मिले, बोले अभिनंदन को छोड़ दो नहीं तो 9 बजे अटैक हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सुमित पीर के वर्ड नहीं है ये, quote unquote parliamentarian of Pakistan, in the parliament of Pakistan, सबने इसको कहा, कह रहा his knuckles were shaking and he was sweating, खुदा के लिए इसको छोड़ो नहीं तो 9 बजे अटैक हो रहा। तो जो छोड़ा गया वो अटैक के डर से छोड़ा गया और किसी कारण नहीं छोड़ गया। अच्छा है, लड़ाई भिड़ाई ना हो, ये खून खराबा ना हो, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आती है दूसरी बात कि भाई आपके इंडियन मीडिया की बात है। देखिए, इंडियन मीडिया में कुछ लोग ऐसे जरूर है जिनकी फंडिंग कहीं और से आती है, जिनके इंक्लिनेशन कहीं और है। यहाँ तो ऐसा कई कुछ ऐसे लोग हैं कि वो तो ये भी बोलते हैं कि भाई जो चाइनीज वायरस था वो वुहान से नहीं आया, और इंडिया में नहीं, कई सारे ऐसे मीडिया, कई सारे मीडिया हाउसेस ये भी बोलते हैं कि भाई कि यहाँ जो अजीब अजीब चीजें होती है, जो ये फार्मर प्रोटेस्ट हमारे यहाँ चल रहा है कि फार्मरों की बहुत दिक्कत हो रही है, पर हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट, हाईएस्ट प्रोडक्शन और हाईएस्ट रिम्बर्समेंट होता है। तो यहाँ एक मीडिया का सेक्शन है जो एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया चीजें चलाता है। यहाँ एक मीडिया का सेक्शन है जिनकी फंडिंग यूएस यूके कहीं कहीं से आती है। नाम लेना ठीक नहीं है, पर आपको भी पता नाम क्या, आप भी इस लाइन में, मेरे को बता रहा हूँ पूरे। और आरजू जी सच बात बताऊँ, ये जितने भी दर्शक है ना हमारे जो देख रहे हैं, सब इनके नाम चेहरे पता अच्छी तरह से जानते हैं, ये कौन कौन खिलाड़ी है, इनको पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं, उन्होंने बोला जी ये क्या, मुझे बताइए, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूरे प्रधानमंत्री जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, पूरा डिफेंस मिनिस्टर बैठे थे, पूरे कैबिनेट के सामने, आप सोचिए पूरे कैबिनेट, पूरे इंटरनेशनल मीडिया था, नेशनल मीडिया था, उसके सामने अगर एक अवार्ड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, अगर इसमें गड़बड़ होती तो अवार्ड डिक्लेयर ही नहीं करते, डिक्लेयर करने की जरूरत क्या थी, आप बताइए, कोई रूल है क्या, अगर उन्होंने F-16 गिनाया तो अवार्ड देना, नहीं है ना, तो नहीं डिक्लेयर करते। कॉन्ट्रोवर्सी को कोई नेशनल स्टेज पर नहीं लाता, ये आप बात याद रखे आरजू जी। और क्योंकि बालियों की पर्सनल गुडविल इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट की गुडविल, मोदी जी की गुडविल, अमित शाह जी की गुडविल, रक्षा मंत्री जी की गुडविल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की गुडविल, पूरे देश और प्रशासन की गुडविल इन्वॉल्व है। आपको लगता है कि इतना बड़ा रिस्क लेंगे ये चीज करने के लिए, ये भी तो ऑप्शन था, अगर लफड़ा था, अगर गड़बड़ थी, अवार्ड ही नहीं देते, कोई कोई मजबूरी तो है नहीं अवार्ड देना। नहीं देखे सुमित जी, ये जो ये बात, चले आप ठीक कह रहे हैं जो आपने बात कही, लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी बात रख रहा है और वो आप उसकी बात आपकी बात से डिफरेंट है, ये क्योंकि हमारे यहाँ भी बड़ा ट्रेंड है, अगर हम गवर्नमेंट को कुछ कहें, हम इस्टेब्लिशमेंट को कुछ कहें, हम फौज को कुछ कहें, तो कह देते हैं इसकी तो बाहर से फंडिंग है। मुझे बहुत बार कह देते हैं कि जी इसकी इंडिया से फंडिंग है, लेकिन टका नहीं भेजा इंडिया वालों ने कभी मुझे, तो वो मैं कह रही हूँ कि ये चीज आप तो कम से कम ना कहें, ठीक है, अगर वो आपके हिसाब से गलत भी कह रहे हैं तो अब एकदम से ये इल्जाम लगा देना कि इनकी फंडिंग बाहर से आ रही है। और अगर बाहर से आ रही है, अगर आप पाकिस्तान को काउंट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो आपको पता है कि अपने खाने के पैसे नहीं है, आप लोग हर वक्त कहते रहते हैं कि हम कटोरा लेके घूम रहे हैं, साथ आप लोग ये इल्जाम भी लगाते हैं कि हम फंडिंग भी कर रहे हैं। ये दो चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, या तो हम फंडिंग कर रहे हैं या हमारे पास पैसे नहीं है, एक चीज चलेगी। बिल्कुल मुफीद सवाल, पहला आंसर। देखिए आरजू जी, ये जिनमें मीडिया आउटलेट्स की बात करो, कुछ दो चार छह है, ज्यादा नहीं है, चार छह गिनती के, नाम लेना ठीक नहीं है, सबको पता नाम क्या है, चार या छह लोग हैं, ये ज्यादा नहीं है। अब एक बार बताइए, इनको मॉरिशस से पैसा आता है, इनको आजकल जो इनका नया माई बाप आया वो है जी जिनपिंग। देखिए चाइना पैसा लगा रहा है हर जगह, ये तो पता है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, ये तो जग जाहिर सी बात है, इस पर डिस्प्यूट नहीं करें। पैसा रूट होता है ISI के थ्रू, अफगानिस्तान में चाइना ने पैसा लगाया ISI के थ्रू, आपके ISI के चीफ गए तो थे वहां चाय पीने, जब तालिबान की सरकार बन रही थी वो चाय नाश्ता कर रहे थे वहां पे, अब आके बदल गए वो अलग बात है। बट एक बार बताइए, जो चाय नाश्ता करने वाले हैं, ये जो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, चाइना का पैसा है,
यूके में कुछ लोग बैठे हैं, यूएस में कुछ लोग बैठे हैं, एक बात बताइए, किसान प्रोटेस्ट है यहाँ हो रहा है, कुछ उनका कभी रेल रोको आंदोलन वगैरह था, एक इस्लामिक संगठन यूएस का, वो वॉशिंगटन पोस्ट में आरजू जी पेड एड दे रहा है, पेड एड का मतलब है $4,000-$10,000-$20,000, मुझे नहीं पता कुछ $1,000 है। आप बताइए कितने ऐसे संगठन है जो 10-20 लाख रुपए का एक एड निकालेंगे, उससे भी ज्यादा है, तो मेरा अनुमान है 50 लाख का निकलता है एक एड। और किसान प्रोटेस्ट इन इंडिया, उनका मतलब क्या? आपने देखा मियां खलीफा जो है वो भी किसान बन गई थी, अब तो जानते करती क्या है, अब ये रिहाना किसान बन गई थी, अब ये मीना हैरिस किसान बन गई थी, हमने देखा पॉप स्टार से लेके पोर्न स्टार तक सारे किसान बन गए थे, और कुछ लोग कनाडा में भी बैठे जी जिन्हें ये नहीं पता बाजरा और जवर, अगर मैं बाजरा दूं और गेहूं तो बोले बाजरा क्या गेहूं का, उसे समझ नहीं आएगा, वो भी किसानों के लिए बोल रहे थे। ये एड 20-20 हजार $50,000 का के एड अमरीकी न्यूज़पेपर में छप रहे आरजू जी, उनके पैसे दे रहा कोई, क्यों दे रहा? तो ये लोग ये जो करते हैं ना, यही लोग इनको भी फंडिंग करते हैं, पाकिस्तान नहीं करता। बहुत शक्तियां भी है, बहुत ऐसी लॉबीज हैं जो कर रही है, पाकिस्तान के पास पैसा लगाने को है नहीं, पर रूटिंग तो कर सकता है ना, समझ रहे हो ना, रूटिंग तो जैसे अफगानिस्तान में रूटिंग किसने की पैसे की, ये जो दोस्तों खान और दूसरा वॉर लॉर्ड था, जब उनसे अशरफ गनी साहब मिले बोले भाई आप लड़ोगे ना हमारे लिए, सारसरी बचाओगे, बोले लड़ेंगे, एक गोली चलाए बिना भाग गए, क्यों भाग गए, किसने पैसे दिए, बिना पैसे के तो भागेंगे नहीं, ताजिकिस्तान में ठंड मारे आज के डेट में। देखिए पैसा जियो पॉलिटिक्स में इधर उधर से आता है, और अभी हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया पुलिस अकेडमी, जो मैं आपको शुरू से कह रहा था, उसने कहा आज के टाइम में जो वॉर्स होंगी वो अब काइनेटिक वॉर्स नहीं होंगी कि आर्मी आएगी ये आएगा बम, कह रहा है ये सब बहुत एक्सपेंसिव और दे आर नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर ट्रायड हो तो आपसे लड़ने का कोई मतलब नहीं, कोई आके आपको जीत तो सकता नहीं, मतलब इट इज एमएडी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इफ यू गो इनटू दैट मोड। तो अब क्या होगा, ये अब ये है लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर, यहाँ आपने पंगा करा दिया, यहाँ दंगा करवा दिया, ये प्रोटेस्ट करवा दिया, इसका खर्चा कम लगता है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, आपके अपने लोगों को आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हो, जब आपके अपने लोग आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हो तो कुछ इसमें मीडिया का कुछ ऐसे कौन से लोग होते हैं, मुझे बताइए, एक नाम आता है रिहाना, पॉप स्टार है जी, बहुत बड़ी बड़ा नाम है जी उनका, अगर मैं रिहाना को आज बताऊं नक्शे पे पॉइंट कर दो बहन जी इंडिया कहाँ, पता नहीं होगा उनको आदमी, मैं नक्शे बोलूं बहन जी मुझे बता दो दिल्ली कितने पड़े हैं, नहीं पता हूँ, मैं अच्छा जी हाथ जोड़ो तुसी ऐ बताओ पंजाब कितने हैं, उन्होंने पंजाब नहीं पता होगा जी कितने हैं, ये सच है। अब यही रिहाना ने अपने बाप पे केस कर रखा, बाप पे, क्यों कि भाई तूने अपनी वेबसाइट पे मेरा नाम कैसे लिख दिया मुझे बिना रॉयल्टी दी, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे, रिहाना ने पिताजी पे जो उसका बायोलॉजिकल फादर उस पे केस कर रखा, तूने मेरा नाम लिख दिया बिना मुझे पूछे बिना पैसे दिए, और यहाँ वही रिहाना किसान बन रही है, वही किसानों का समर्थन करी, वही मैंने कहा ना ऐसे लोग है, बाजरा और जवार में फर्क नहीं पता, चावल और गेहूं में फर्क नहीं पता, ये नहीं पता पंजाब कितना कितने हैं, इंडिया कितने और दिल्ली कितने, ये भी किसान बन गए थे जब ऐसी शक्तियां जुड़ती हैं। और एक चीज आपको और बता दूं आंजू जी, एक मीना हैरिस जी कमला हैरिस की भांजी है, वो बड़ा बोल रही थी, अब क्या हुआ व्हाइट हाउस ने ऑफिशियल बोल रहा हूँ ये, मतलब कोई मेरे पास खास कोई सैटेलाइट है मेरा अपना, व्हाइट हाउस ने उनको लीगल नोटिस भेजा, मैंने एक हमारा नेशनल टीवी पे डिबेट था, मैंने कहा यूएस एम्बेसी एंड यूएस शुड नाउ क्लैरिफाई द स्टैंड ऑफ मीना हैरिस बिकॉज शी इज रिलेटिव कमला हैरिस, व्हाइट हाउस के वकीलों ने उन्हें नोटिस भेजा, बोला बहन जी ए तुसी की कर रहे हो, उसके बाद आरजू जी मूवी बंद हो गए, जैसे लीगल नोटिस मिल गया ना, धमकी मिल गई व्हाइट हाउस ऑफिशियल, पहले उनकी आंटी ने बोला होगा फोन करके क्या कर रही है समझ नहीं आया, जब वकीलों ने नोटिस दिया तब से वो किसान भी भूल गई, तब से वो आंदोलन भी भूल गई। मैं आज के डेमोक्रेसी और जियो पॉलिटिक्स में आरजू जी कहीं पैसा आना किसी का यहाँ पंगा करवाना ये नया वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और perception warfare, ये सबसे important है, using your own people against you, this is what the new warfare is, you mark my words today, अब कोई kinetic conflict होने वाला नहीं है, because that is not productive, ये छोटे conflict, ये वाली चीजें होंगी। और आपने एक और बात देखी, एक भारत में protest चला था शाहीन बाग को लेके, उसके बाद उसमें कहां कहां से पैसे आए, कितने लोग अभी जेल के अंदर है, कितने 100 करोड़ रुपए, उस सबका हिसाब किताब निकल गया, तो इस सब का हिसाब किताब निकलता है। और बट आज हमको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये चीजें संभव है, ये चीजें हो रही है और ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ये बात मानने को तैयार नहीं है,
कि कोई F-16 गिराया था, और उसके बाद ये भी बहुत आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे हर जगह, हमारे टीवी पे, सभी जगह बात की जा रही है कि जी किस बात का अवार्ड दिया गया है। और बाकी तो जाहिर है, अगर कोई प्लेन किसी का, किसी और कंट्री का गिरता है और वहां का कोई पायलट या कोई भी सिपाही अगर दूसरी कंट्री के काबू आता है तो वही किया जाता है जो हमने किया। लेकिन हमने खैर चाय भी पिलाई थी और उनकी वो वीडियो भी मौजूद है। लेकिन अब पता नहीं मुझे कि जब कुलभूषण को भी सुना है कि जी परमिशन मिल गई है अपील दायर करने की, तो उनको कौन सा अवार्ड आप देने जा रहे हैं? देखिए, अब आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा था कि देखिए, ये जो F-16 वाला मसला है या जो भी वाला मतलब जो हम बात कर रहे थे कि ये जियो पॉलिटिक्स में ये चीजें अभी हो रही है आरजू जी, ये एक सच्चाई है, इसको हम निगेट नहीं कर सकते। ये कहना गलत हुआ क्या? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स, 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है जी, जो पाकिस्तान के आर्मी के लोग मुजाहिद या वो टेररिस्ट बन के वहां आए थे, मुशरफ साहब ने लाशें लेने से भी मना कर दिया, कहते तो हमारे लोग ही नहीं, अगर वो पाकिस्तानी नहीं थे वो कहाँ से आए थे, वो अगर आपके लोग नहीं थे वो कौन थे जो आर्मी अपने लोगों की लाशें लेने से मना कर दे जो आपके लिए मरे। अभी आप कह रहे हो यार, जो बेचारा पायलट मरा जिसने जान भाग हुआ पाकिस्तान के लिए, कह रहे वो तो कोई था ही नहीं, वो तो कोई मरा ही नहीं, हम तो किसी को जानते ही नहीं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक, मैं तो चाहता हूँ इमरान खान नियाजी कुरैशी साहब एक प्रेस रिलीज निकालें, जो जिन एयर मार्शल साहब की बेटी की डेथ हुई थी, जो फोटो हुआ था, आपको पता नाम क्या है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, एक प्रेस रिलीज निकाले और बोले ये जिंदा, और उनका एक इंटरव्यू कराए ना, अगर हमें हम कह रहे हैं भाई एक्स वाई जेड बंदा की डेथ हो गई, ठीक है जी, अगर वो F-16 में नहीं था वो जिंदा है, तो उसका लाइव शो कराइए, बुलाइए इंटरनेशनल मीडिया को, इंडियन मीडिया को भी अच्छा, बुलाइए। एक मुझे याद आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी बोल सकती हूँ, इसलिए मैं पहले ही माजरत कर लेती हूँ, सॉरी अगर मैं गलत हूँ। आई थिंक कारगिल के टाइम पे ही आपके यहाँ का कोई सिपाही थे, सिख कम्युनिटी से थे मेरा ख्याल है, और उनको जो है वीर चक्र भी दे दिया गया था, और बाद में उनकी फैमिली ने आके कहा कि वो जिंदा है, और वो न्यूज चली थी टीवी पे, मैंने देखी थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो इस तरह का भी एक हो चुका है इंडिया में, इस तरह का भी एक वाकया हो चुका है। तो अब ये कहना कि गलत दे दिया या हम अपने लोगों को नहीं पहचान रहे, तो उसकी एक एक रीजन और मुझे, जनरल अमजद शुएब साहब आए थे, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब मेरे शो में आए थे एक बार, अब तो करवाते नहीं, मेरे से बड़े नाराज हो गए, तो क्योंकि वो कहते हैं तुम गलत बोलती हो बैठकर फौज को, तो उनसे मैंने कहा सर क्यों नहीं आप लोग मान रहे थे भाई अपनी वो उधर से, क्यों नहीं आप अपने सिपाहियों की डेड बॉडीज उठा रहे थे? तो उनका ये कहना था कि जो कारगिल है वो एक पहाड़ी इलाका है, और कुछ पता नहीं लगता कौन कहाँ गया, किधर गिरा, किसको क्या हुआ, तो इसलिए वो अपने लोगों को जो है वो बॉक्सेस में रख के हमें कह रहे थे कि तुम्हारे सिपाही हैं, तो इसलिए हमने नहीं लिया। अब वो कहाँ तक ठीक है आई डोंट नो, लेकिन ये कि खैर अब तो जनरल साहब मेरे शो में आते ही नहीं, उन्होंने कहा है मुझसे वैसे ही पाओगे, तो पहली बात तो आजू जी काफी लोग आपसे नाराज है क्योंकि आप सच बोलते हैं, तो सच ना थोड़ा कड़वा होता है, और ये लोगों को ना सच के लिए एंटी एसिड लेना पड़ता है, डाइजीन वाइजीन मिलता है इंडिया में, पता नहीं पाकिस्तान में मिलता है, बोलिए डाइजीन वाइजीन ले, अच्छा होता है, विंडोसिल वगैरह काफी दवाई आती है, होममेड रेमेडीज भी, जैसे सोप हो गया, ग्लू हो गया, चलिए उस पर नहीं जाते अभी। मुझे बताइए, भारतीय सेना के एक एक जो जवान हमारा मरा था उसका फ्यूनरल उसके गांव में उसके घर में जाके हुआ, ठीक है जी, मुझे बताइए आपको लगता है कभी यूनिफॉर्म लगा हुआ भारत का फौजी, हाँ हम उसको बोलेंगे पाकिस्तान को तुम ले ले, जो उसके घर वाले हैं, जो उसके माँ बाप है, जो उसका पीछे परिवार है, जो उसकी बटालियन है, जो उसकी कंपनी, उसको क्या जवाब देगी, ये कौन था, ये कहाँ गया? दूसरी बात, ये वीडियो आप आज भी गूगल पे देखिए, इस्लामिक तौर तरीके से एज पर इस्लामिक ब्यूरियल सबका ब्यूरियल किया गया, मौलवी साहब आए, फातिहा वातिहा जो भी पढ़ा जाता है इस्लामिक तरीके, बिकॉज मरने वाला जो बेचारा मर गया वो मर गया, अब उसको उससे दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी तो जब तक जिंदा है, वो भी देश का सिपाही था, इंडियन गवर्नमेंट ने, मैडम ये फोटो गूगल पे भी है, कहीं पे भी आपने जनरल साहब को बोलिए थोड़ा गूगल वूगल देख लें, ये वीडियो भी है, फोटो भी है, आज भी है गूगल में, एक अच्छी चीज है ना, कुछ कुछ दुनिया में गायब नहीं होता, वो रखिए वो देखे और देखे वो लोग का हमने कैसे क्रियाकरण किया, जितने हमारे लोग मरे की लिस्ट आर्मी की वेबसाइट पे किस बैटालियन से थे, अगर मरे मान लीजिए 510 510 का नाम पता लिस्ट
कंपनी है, तो ये बाकी जो मरे इनको हाँ क्या हमने पैदा किया, क्या गिली गिली जादू मंत्र आता है क्या हमें, जिससे हमने वो लाशें पैदा कर दी, देखिए ये संभव नहीं है। दूसरी बात मैं खासकर बोलना चाहूंगा, अगर F-16 नहीं गिरा, जो भी पायलट जिनका भी नाम आ रहा था, जो भी एयर मार्शल साहब के बेटे, आप उनको बुलाइए ना, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाइए, इंडियन मीडिया को भी इन्विटेशन दीजिए, हम भी सवाल पूछेंगे। अगर वो जिंदा है, अगर ये सब गलत है, तो देखिए नेगेट करने से कुछ नहीं होगा, जो जिसे आप कहते हो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तो आप बताइए वो कहाँ, उसको बुलाइए, CNN, BBC, वॉशिंगटन, सब इंडियन वो सबको बुलाइए, फ्रांस मीडिया को बुलाइए और उनका इंटरव्यू कराइए, यूरोप में कराइए, मैं तो कह रहा हूँ उनको इंडिया भेज दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, वीजा भी दे देंगे, अगर ऐसा है वीजा भी दे देंगे, तो मतलब ऐसी क्या बात है, पूरी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। बट जब वही वाली बात है, मुर्दे जिंदा नहीं होते आरजू जी, कहानी तो ये है। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहूंगी क्लोजिंग करते हुए कि शो की कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जो झगड़ा होता है, जो लड़ाई होती है, जो नाराजगी होती है, जिंदा लोगों से होती है लड़ाई भी, और जब कोई चला जाता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए कि जो जिंदा है उनके साथ भी लड़ाई खत्म हो और सब लोग जो है वो अमन से रह सकें, और हमें आइंदा इस तरह के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन ना लगानी पड़े कि जी हमने तो कोई जहाज गिराया है, कोई नहीं है, तो और उसके बाद कह रही हूँ ये था वो था, तो इसके बजाय हम अच्छे नेबर्स की तरह रहें, और अभी ना सही लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में, हमेशा कहती हूँ कि उसको हम एक खूबसूरत हिंदुस्तान और पाकिस्तान देके जाएं और इस तरह की लड़ाई झगड़े ना हो। थैंक यू सो मच सुमित जी कि आपने ज्वाइन किया। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेंटेंस देखिए आजू जी, आपको याद होगा मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बात बोले थे, बोले अगर आपको लड़ाई करनी है कोट अनकोट, आइए गरीबी को हटाने की लड़ाई करें, अगर आपको लड़ाई करनी है डेवलपमेंट पर लड़ाई करिए, कोट अनकोट स्टेटमेंट कह रहा हूँ। देखिए अगर कंपटीशन करना तो डेवलपमेंट का कीजिए ना, कंपटीशन करना गरीबी हटाने का कीजिए, कंपटीशन करना वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना कितना परसेंट हम GDP कंट्रोल करते हैं, पॉजिटिव चीजों पर कंपटीशन, कंपटीशन तब भी हो सकता, कंपटीशन कोई बुरा नहीं है, ये मरने मारने का कंपटीशन। अब दिक्कत क्या है कि जो आपके यहाँ एक फौजी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब वो नैपी से लेकर डायपर से लेकर सब बनाते हैं, जब फौज कमर्शियल हो जाती है, फौज मतलब जो सिपाही है वो व्यापारी हो जाता है, वो ट्रेडर हो जाता है, तब आरजू जी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, दिक्कत यहाँ है। नहीं बिल्कुल ये चीज तो है, लेकिन खैर ये भी एक मतलब कहना चाहिए, एक ही तनख्वाह में इतने सारे काम करते हैं हमारे फौजी, उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, और ये चीज आप हर 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 फौजी को नहीं कह सकते जो बॉर्डर पे खड़े हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जो सिपाही हैं हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें भी शिकायत है, लेकिन हमें शिकायत है जो बड़े बड़े जनरल्स हमारे रिटायर होते हैं और जिनकी पिज्जा फ्रेंचाइज होती है या जिनके आइलैंड वाइलैंड होते हैं, हमें उनसे शिकायत है। हमारे जो बाकी सिपाही हैं जो हमारे लिए जान देने को तैयार हैं और बॉर्डर पे खड़े हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरा ख्याल है हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे गलत होता है उसको हम बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। जी आपके यहाँ लास्ट ईयर शायद 172 आर्मी के जो अफसर थे उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली है, ये कनाडियन गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज आया था। मियामी में मेंशन हो, बर्मिंगम में मेंशन हो, यूके में जो बड़े बड़े किले बना रहे हैं मैडम, वो फौज की तनख्वाह से तो आते, तनख्वाह से किले नहीं मरते, कहते हैं ना लड़ मरे सिपाही नाम लगे जनरल का, सच्चाई तो ये भी है। नहीं बिल्कुल ये बात है, और आपको अपने फौजियों को कुछ सिखाना चाहिए, कोई खाना कमाता है कमाने के लिए तैयार ही नहीं होते, पुराने पुराने मोबाइल लेके बैठे हुए, दो चार को तो मैं भी जानती हूँ, तो उनको कहे कि कुछ खाया कमाया करे, कुछ सीखे हम लोगों से। थैंक यू सो मच सुमित जी, ये वाली चीज मत सिखाइए, हम गरीब ठीक है अर्जुन, हम गरीब ठीक है, हमारे मोबाइल से काम चलाए, ये मत सिखाइए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू।